हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन की करंट रो फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल में दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है इस पर्सन की सोच। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम आपके पर्सन की करंट रो फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी जोडिक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, और जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और उस इंसान के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या फीलिंग्स और थॉट्स उस इंसान के आपको लेकर हैं, तो ये रीडिंग आप उस इंसान को अपने माइंड में रख कर भी देख सकते हैं, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिस इंसान की फीलिंग्स और थॉट्स जानना चाहते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाली हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वह हैं फाइव ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपके और आपके पर्सन के बीच किस तरह का रिश्ता है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से ये फाइट्स हो रही हैं। कोई ना कोई तो रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर फिदा है या फिर आप पर फिदा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप अगर अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी मेन वजह वही है, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप दोनों के बीच फाइट्स हो रही हैं, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। तो इन दिनों आप और आपका पर्सन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप दोनों के बीच फाइट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स के कार्ड में आपके बीच का और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो रहा है इन दिनों। और ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है बहुत ज़िद्दी है, बहुत हटी है। इस पर्सन ने शायद आपको या फिर आपके पर्सन को पाने की एक ज़िद्द लगा ली है। तो इस ज़िद्द को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन होने लगी है। वो इंसान पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है, यानी जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है, आने की कोशिशें कर रही है या फिर आ चुकी है ना, वो जो भी है ना, उसकी बुरी नज़र आप दोनों के रिश्ते पर है। और आप दोनों के रिश्ते में ये जो दूरियां बढ़ रही हैं उस इंसान की वजह से बढ़ रही हैं और आप दोनों का रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। तो आप काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं। उसी तरह आपका पर्सन भी काफ़ी चिंतित और परेशान नज़र आ रहा है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और इमोशंस भी क्लियर नज़र आ रही हैं, पर यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोच विचार में लगा है कि किस तरह से इस सिचुएशन को डील करे, किस तरह से थर्ड पार्टी से अपनी जान छुड़ा। तो ये पर्सन उस इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहता है और ये पर्सन चाहता है कि वो खुद ही साइड हो जाए, यानी आप दोनों के बीच में नहीं आए। आपके पर्सन का आपको छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना या फिर आपका किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, ये तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं, पर आप दोनों के बीच में दरार डाली जा रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कन्फ्यूज होकर रह गए हैं। आपका पर्सन भी यहाँ पर कन्फ्यूज नज़र आ रहा है, जगल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका पर्सन कितना किस कदर कन्फ्यूज हो गया है और आप भी कन्फ्यूज हैं। तो ये पर्सन जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिचुएशन धीरे धीरे इस पर्सन के हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि इस पर्सन के एक्शंस बहुत स्लो हैं। ये पर्सन ना थर्ड पार्टी से क्लियर बात नहीं कर पा रहा या फिर आप दोनों के बीच में उसे आने से नहीं रोक पा रहा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते से वो इंसान आपके बीच में ना
इंटरफेयर करता ही जा रहा है और आप दोनों को उस इंसान की बात भी सुननी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हैं कि वो इंसान आप दोनों के रिश्ते से दूर चला जाए, आप दोनों के बीच नहीं आए, फिर भी आप मजबूर हैं। आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं मजबूर है और इस मजबूरी की वजह से आप दोनों उस इंसान को ना बर्दाश्त कर रहे हैं, उस इंसान को सहना पड़ रहा है आप दोनों को ही। पर आप दोनों अपने रिश्ते में उलझ कर रह गए हैं, बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसकी वजह से आप दोनों ही परेशान नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन खासकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इंसान सोच विचार में लगा है कि ये जो सिचुएशन बन गई है, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, उस इंसान को कैसे समझाया जाए, किस तरह समझाया जाए कि आपके पर्सन के मन में उस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, उस इंसान के लिए आपका पर्सन नहीं सोचता है। तो ये पर्सन उस इंसान को समझाना चाहते हैं, पर मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जो भी है ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ना बहुत ज़िद्दी है, जो चाहती है या फिर जो चाहता है ना उसे हासिल करके रहता है या रहती है। तो ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे आपके पीछे पड़ी हो या आपके पर्सन के पीछे पड़ी हो, उसका मकसद पाना है। तो वो इंसान पाना चाहता है बहुत कुछ, अपने जीवन में सफल है, उसके बावजूद भी उस इंसान को और भी ज़्यादा सफल होना है। जिस चीज़ पे वो हाथ रख दे तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो चीज़ उस इंसान के लिए ही बनी है। तो आप दोनों का रिश्ता इसलिए ख़राब हो रहा है और आज रात आपका पर्सन इस सोच विचार में लगा है कि किस तरह से उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उसको समझाया जाए। आपके पर्सन के दिल में उस इंसान के लिए फीलिंग्स तो नहीं है, फिर भी ये पर्सन मजबूर है, परेशान है, उस इंसान से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा, उस इंसान को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि वो इंसान आपका है, आपका ही रहेगा। पर इस इंसान को मजबूर किया जा रहा है किसी अदर पर्सन की वजह से भी, ये चीज़ भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका पर्सन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, सोच विचार में लगा हुआ नज़र आ रहा है, एक्शन लेना चाहता है नहीं ले पा रहा। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अगर कोई भी एक्शन लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। हो सकता है आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स हों जो उस इंसान को पता हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन सोच विचार में लगा है पर कुछ कर नहीं पा रहा। पर ये पर्सन इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेगा इस प्रॉब्लम का। आप दोनों के बीच में बन रही खाई को ये पर्सन पाट देगा। तो ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच जो गैप बन रहा है ना, इसे किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए ताकि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट कर पाएँ। और जिस ट्रस्ट और प्यार की कमी की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है ना, तो उस प्यार की कमी को पूरा किया जाए और ट्रस्ट फिर से बनाया जाए। तो आपका पर्सन दिल और दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, किसी एक डिसीज़न पर ये पर्सन नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आप देख सकते हैं कि ये पर्सन किस कदर जगल कर रहा है, अपने दिल को दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको और थर्ड पार्टी को दोनों को ही समझाने की कोशिश में लगा है कि ये पर्सन किसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। तो इस पर्सन ने आपसे क्लियर बात की होगी ऐसा लग रहा है, और अगर नहीं की है तो इन फ्यूचर ये बहुत जल्द बात कर सकते हैं। और जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते से, इसको तो जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर का रास्ता ये पर्सन खुद उसे दिखा देगा। ये चीज़ क्लियर है, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी बहुत जल्द, और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी की वजह से, ये पर्सन उसके बारे में ही सोचते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की इस दूरी को मिटाया जाए और आपको कुछ क्लैरिटी दी जाए, तो ये इस वक्त सोचते हुए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में नज़र आ रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।